गर्मी के वेदर में जब पानी पी पी के पेट भरा होता है ना, रोटी खाने को मन नहीं करता, तो दिल करता है कुछ चटपटा खाया जाए, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। हाय गाइस, आज है मदर्स डे और मैं हूँ अपनी मदर इन लॉ के साथ, और आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि मेरी मदर इन लॉ की स्पेशलिटी है, दही भल्ले। ये तो हम सब खाते हैं, लेकिन इसमें है खास ट्विस्ट, बहुत इजी है, बहुत हेल्दी है और मिनटों में बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो गाइस, आज ये दही भल्ले फ्राइड वाले नहीं बन रहे, बल्कि अप्पे स्टैंड में बन रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो मम्मा के हाथ के दही भल्ले बनते हैं ना, उसके आगे बाजार के दही भल्ले भी फेल है। मतलब अगर घर में गेस्ट आने हो ना, तो ये एक ऐसी चीज है जो डेफिनेट बनती बनती है, और सब इस चाट को चाट चाट के खाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, कोई सोकिंग नहीं, कोई झमेला नहीं, 10 मिनट के अंदर ये भल्ले रेडी हो जाते हैं। ये जो भल्ले आप देख रहे हो, ये माँ की दाल के नहीं है और ना ही इसे डीप फ्राई किया गया है। ये है सूजी के भल्ले और इसे अप्पा पैन में बनाया गया है, सो यू कैन से वेरी हेल्दी। ये हम भल्ले निकाल रहे हैं हींग और सॉल्ट वाले पानी से। देखो कितने सॉफ्ट हो रहे हैं। तो सॉफ्ट दही भल्ले बनाने का एक और सीक्रेट ये है कि जैसे ही आप इसे अप्पे स्टैंड से बाहर निकालें, आप इसे 10 से 15 मिनट तक गर्म पानी में सोक करें। और अगर आपको बाजार वाला फ्लेवर और टेस्ट चाहिए, तो इसमें हींग डालना बिल्कुल भी मिस ना करें। अच्छा, इन भल्लों में अगर आप थोड़ी सी कसी हुई अदरक और हरी मिर्च भी डालते हैं ना, तो इसका टेस्ट और फ्लेवर डबल हो जाता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारे भल्ले जो है ना, इतने सॉफ्ट नहीं बनते। उसमें मेन जो बात होती है ना, वो जब आप बीट करते हो सूजी को, बनाने के टाइम आपने इनो सॉल्ट डालना है, या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, वॉट एवर जो भी आपके पास है आपने डालना है। और उसको जब आप बीट करोगे ना, तो ज़्यादा बीट नहीं करना, बनाने के टाइम ही डालना है। और जस्ट इतना ऐसे मिक्स करके बस ये देखना है कि वो लाइट लग रहे हैं, जाली सी बन रही है उसमें। अगर वैसा है तो फिर आपके भल्ले बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ये हमने लिए हैं उबले हुए आलू, इसको हम मसाला इसमें डालेंगे, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि जब हम इसको खाएं तो हमें इसका जो टेस्ट है वो फीका फीका ना लगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आलू में मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको डालते हैं प्लेट में। अब इसमें डालेंगे ठंडा ठंडा दही। अच्छा, ये भी ना मामा का स्टाइल है कि प्लेट में एटलीस्ट 4 से 5 दही भल्ले तो होने ही चाहिए। और क्योंकि ये इतने टेस्टी और इतनी हेल्दी रेसिपी है, खासकर समर्स के लिए, तो स्वाद स्वाद में खाए भी जाते हैं और गिल्ट भी नहीं होता। अच्छे से हम चारों तरफ से कवर कर देंगे। अच्छा, आप चटनी में क्या क्या डालते हो मामा? ये घर की बनी हुई इमली की चटनी है। इमली में गुड़ डाल के और नमक, काले मिर्च, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा डाल के ये घर में ही बनाई गई है। ये धनिया पुदीने की चटनी है, जो सबके घरों में मिल जाती है इजीली। मसालों के साथ गार्निश करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा जीरा पाउडर। आप इसको लंच और डिनर में भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये काफी फुलफिलिंग होते हैं। ऊपर से हम इसे थोड़ा सा अनार डाल के कलरफुल बना देंगे। अब बताइए, मुंह में पानी आया कि नहीं अभी? तो ये तैयार हो गई हमारी हेल्थी भल्ला चाट। तो गाइज, इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मदर्स वॉचिंग दिस।